नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है वडोदरा न्यूज नेटवर्क के साप्ताहिक राशि फल में। 9 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 सोमवार से रविवार तक का साप्ताहिक राशि फल। विक्रम संवत 2077 शरद ऋतु दक्षिणायन। 9 नवंबर 2020 सोमवार का दिन। गुजरात एवं महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि प्रातः 6:50 तक सोमवार के दिन। आश्लेषा नक्षत्र, ब्रह्म योग, कौलव करण और सोमवार के दिन प्रातः 8:41 तक कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा। 8:41 के बाद में सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करने वाला है। तो प्रारंभ करते हैं साप्ताहिक राशि फल में। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मौज और शौक और आनंददायक दिन रहेगा। सामान्य यह सप्ताह आपके लिए खर्चीला रहेगा। व्यवसाय में तेजी रहेगी, कार्य में प्रगति रहेगी। नए कार्य की शुरुआत आप इस सप्ताह कर सकते हो, लेकिन सामान्य किसी व्यक्ति से मनमुटाव हो सकते हैं। बहस में ना उलझें, कोई वाद विवाद में ना पड़े। आपके लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य थोड़ा मध्यम रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें थोड़ी आपको रह सकती है। किसी कार्य अवसात प्रवास तथा मुसाफरी रहेगी और मानसिक तनाव थोड़ा रहेगा। कोई कार्य का नया प्रारंभ ना करें। कोई कार्य अवसात यात्रा आपकी इस सप्ताह हो सकती है। सामान्य माथा दुखावा आपको इस सप्ताह रहेगा। किसी बात की चिंताएं बनी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में आपके कार्य में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपके लिए शुक्रवार तथा शनिवार का दिन लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य बेचैनी और तनाव से निकलेगा। आपके लिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार का दिन थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। पारिवारिक संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक कार्य करें। स्वभाव को शांत बनाए रखें। और मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए शुभ लाभदायक रहेगा। मंगलवार बुधवार के दिन आपके मनोवांछित कार्य पूरे होंगे तथा कार्य में थोड़ी रुकावट संभावना अंत में आ सकती है, जिससे किसी बहस में ना उलझें और अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक करें, सोच समझकर निर्णय लें। आपका इस सप्ताह लिया हुआ निर्णय आपको हानि दे सकता है, इसलिए सोच समझकर कार्य को निर्णय लें। मंगलवार बुधवार का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यवसाय में इस सप्ताह आपके लिए अच्छी प्रगति रहेगी और आर्थिक धन लाभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए व्यवसाय संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास और मुसाफरी अच्छी रहेगी तथा धन लाभ और आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह मजबूत रहेगी। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। मनोवांछित कार्य आपके पूरे होंगे। सामान्य शारीरिक थकान आपको इस सप्ताह रह सकती है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी बातों में आप ध्यान रखें और किसी से वाद विवाद में ना उलझें। सिंह राशि जातकों के लिए व्यवसाय में नया कार्य की शुरुआत आप इस सप्ताह कर सकते हो। इस सप्ताह कार्य की शुरुआत करने से आपको लाभ अच्छा रहेगा और
यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक विचार भिन्नता सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी भी रह सकता है। परिवार से प्रेम संबंध मधुर रहेंगे तथा कुटुंबी जनों से लाभ रहेगा। पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम संबंध मधुर बढ़ेंगे। और आपके लिए शुक्रवार शनिवार का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण लाभदायक रहेगा। व्यवसाय में अच्छी प्रगति रहेगी और नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हो। और यह सप्ताह आपके लिए आनंददायक और मौज खुश रहने वाला रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य थोड़ा थकावट रहेगी। पारिवारिक या कुटुंबिक व्यक्तियों की चिंता सामान्य बनी रहेगी। परिवार का माहौल आपके लिए सामान्य मतभेद वाला रहेगा, जिससे सोच समझकर कार्य करें। कोई निर्णय अकेले ना लें, किसी व्यक्ति की सलाह लेकर कार्य करें। स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर ध्यान दें। सामान्य यह सप्ताह आपका मंगलवार और गुरुवार आपके लिए लाभदायक रहेगा। मनोवांछित इन मंगलवार और गुरुवार दिनों में आपके कार्य सफल होंगे। शनिवार और रविवार सामान्य आपका मध्यम दिन रहेगा। कोई कार्य प्रसंग में आपका जाना हो सकता है, लेकिन सामान्य तबीयत का ध्यान आप अवश्य रखें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आनंददायक दिन रहेगा। परिवार तथा कुटुंबी जन व्यक्तियों के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो। कोई प्रसंग में आपका जाना हो सकता है। परिवार के लिए सामान्य आज का दिन यह सप्ताह आपके लिए खर्चीला रहेगा। कोई नवी वस्तु आप घर में ला सकते हो। सामान्य प्रवास और मुसाफरी का यह दिन रहेगा। मौज शौक और आनंददायक यह सप्ताह आपके लिए रहेगा तथा परिवार से तथा कुटुंबी जनों से मधुर संबंध आपके बने रहेंगे और नए कार्य की शुरुआत आप इस सप्ताह कर सकते हो। सामान्य यह सप्ताह आपका खर्चीला रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई नवी वस्तु आप यदि करना चाहते हो तो इस दिन आप अवश्य करें, आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यवसाय में तथा व्यापार में कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें। सोच समझकर निर्णय लें। आपका इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह सामान्य हानि दे सकता है, इसलिए सोच समझकर इस सप्ताह आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करो। व्यवसाय में सामान्य इस सप्ताह प्रगति रहेगी, लेकिन कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें। साझेदारी में आपको लाभ रहेगा और मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सामान्य यह सप्ताह आपका प्रवास तथा मुसाफरी का रहेगा और खर्चीला यह सप्ताह आपका रहेगा। परिवार से प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे। सामान्य दाम्पत्य जीवन में कोई बात को लेकर खटरास हो सकता है, जिससे सोच समझकर बात करें, वाद विवाद में ना पड़े। धनराशि। धनराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य तबीयत खराब रह सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी आपको ध्यान रखना है। सामान्य यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यवसाय में कार्य प्रगति रहेगी। परिवार को लेकर कोई मन में चिंताएं आपके इस सप्ताह बनी रह सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत में उस चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई यात्रा तथा प्रवास और मुसाफरी के योग अंत में सप्ताह के अंत में आपके बन सकते हैं। नई खरीदारी इस सप्ताह आपकी हो सकती है तथा सामान्य यह सप्ताह आपका खर्चीला बना रहेगा। आपके लिए सोमवार तथा बुधवार का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए व्यवसाय में यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक रहेगा।
प्रगतिशील रहेगा तथा आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कार्यवशात कोई यात्रा के मुसाफरी इस सप्ताह आपकी रहेगी। मन में कोई चिंता तथा अवरोध आपको परेशान कर सकती है, इन सप्ताह के अंत में उस चिंताओं से आप मुक्त हो सकते हो। पारस्परिक संबंध आपके थोड़े बिगड़ सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा गुस्से पर काबू रखें और धैर्य रखकर कार्य करें, सफलता मिलेगी। आपके लिए शुक्रवार शनिवार का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो। कार्य में सफलता मिलेगी तथा यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारस्परिक प्रेम संबंध बनेंगे और नए व्यवसाय की शुरुआत इस सप्ताह आप कर सकते हो, लेकिन सोच समझकर यह सप्ताह आपको निर्णय लेना है। विचार पूर्वक निर्णय लेने से आपको सफलता रहेगी और सकारात्मक मन में विचार लाएं। सकारात्मक विचार लाने से आपके कार्य में इस वर्ष सप्ताह आपको सफलता मिलेगी। वाद विवाद में ना पड़े और अपने गुस्से को शांत रखें, धैर्य पूर्वक कार्य करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए व्यवसाय में तथा साझेदारी में यह सप्ताह आपको लाभ प्रदान करेगा। कोई वाद विवाद में आप ना पड़े तथा कोई चिंता से आप विचार पूर्वक निर्णय ले तो चिंता से आप मुक्त हो सकते हो। यह सप्ताह कोई प्रसंग वसात आपको कहीं व्यवहारिक कार्यों में आपको जाना पड़ सकता है। मन की चिंताओं से सप्ताह के अंत में आपको मुक्ति मिलेगी। आपके लिए बुधवार और गुरुवार का दिन सामान्य मतभेद रह सकता है, जिससे गुस्से पर काबू रखें और कोई वाद विवाद में ना पड़ें। आपके लिए ये मंगलवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। यह था साप्ताहिक राशिफल। दर्शक मित्रों को नमस्कार।